ट्वेल्थ का सबसे मजेदार चैप्टर नेशनल एंकम, मेरा फेवरेट और आपका भी फेवरेट होने वाला है एक महीने में, ठीक है ना? मतलब एक महीना चलेगा नेशनल एंकम। बहुत ही मजेदार चैप्टर, बहुत सिंपल है, मतलब मुश्किल नहीं है, बट एक महीना चलेगा। तो छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे। गैप आएगा तो प्रॉब्लम आएगी, गैप नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, 12th के सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर में है। बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, कोई स्क्वायर रूट नहीं निकालने होते, बेसिक से फॉर्मूले प्लस माइनस। नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक नेशन की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे, तीन डिफरेंट मेथड सुनेंगे। इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। बट नेशनल इनकम कैलकुलेशन से पहले कुछ हमें टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। तो पहले हम थ्योरी अंडरस्टैंड करेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी होंगे, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 12th, कि अगर किसी की हेल्प चाहिए, ये होता ना एक्सटर्नल हेल्प, ट्यूशन और वट एवर, तो ये एक चैप्टर है कि जहां मैं एक्चुअली आपकी कोई हेल्प कर सकता। मजा आएगा अगर सीक्वेंस में साथ साथ करोगे तो। गैप मत आने देना, गैप मत आने देना, पूरे 12th का सबसे बड़ा चैप्टर बर्बाद कर दोगे। अगर गैप आया तो, गैप नहीं आया तो आप अपना पूरे 12th का सबसे बड़ा बर्डन क्लोज कर दोगे, सेट असाइड कि मुझे नेशनल इनकम तो अच्छे से आता है, मुश्किल नहीं है। कोई चीज मुश्किल होती है तो मैं खुद वार्निंग दे देता हूं, बट लेंदी है, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, तो प्लीज कंसंट्रेशन के साथ करना। नेशनल इनकम, एक नेशन की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। कैलकुलेट करने से पहले सबसे बेसिक चीज, एक नेशन में डिफरेंट सेक्टर्स कौन से होते हैं। चार सेक्टर्स हैं, चार सेक्टर्स में डिवाइड करा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं, ये डिफरेंट नेशनल इनकम एस्टिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। वो डिफरेंट सेक्टर्स क्या हैं? पहला हाउस होल्ड सेक्टर, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स को बोलते हैं। हाउस होल्ड किसको बोलते हैं? इंडिविजुअल्स। मैं एज एन इंडिविजुअल, आप एज एन इंडिविजुअल, फैमिलीज, ये सब हाउस होल्ड। हमारा काम क्या है? कंजम्पशन। हम क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हम कंजम्पशन भी करेंगे। और हम एज एन इंडिविजुअल फैक्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यस और नो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड कोई इंसान ही तो दे रहा होगा, लेबर इंप्लॉई कोई इंसान ही तो होगा, कैपिटल कोई इंसान ही तो पैसे डाल रहा होगा, एंटरप्रेन्योर कोई इंसान ही तो होगा, कंपनी क्रिएट होती है। बट फैक्टर सर्विसेज कौन रेंडर कर रहा होता है? इंडिविजुअल्स ही तो कर रहे होते हैं। तो हम सीखेंगे अभी आगे जाके, पहला सेक्टर कौन सा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आता है? इंडिविजुअल्स, जिनका बेसिक काम कंजम्पशन है, बट वो फैक्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, हाउस होल्ड। दूसरा सेक्टर गवर्नमेंट, सुनेंगे ध्यान से। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करना, बट कभी कभी वो कोई सर्विसेज भी रेंडर करती है। कुछ ऐसी सर्विसेज जो अगर प्राइवेट सेक्टर करता तो वो कॉस्टली करता। तो टू मेक सम बेसिक नेसेसिटीज और सर्विसेज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल और रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एट सब्सिडाइज रेट्स। तो गवर्नमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करना तो है ही, बट कभी कभी वो कुछ सर्विसेज भी रेंडर करती है, जैसे इंडियन रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी काफी जगह गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो कुछ सर्विसेज भी, कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो गवर्नमेंट। बट फाइनेंशियली उनका क्या एंगल है? गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करती है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही उनका वही है। टैक्सेस इम्पोज करती है, खर्चे करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट, ऑन स्कूल्स, ऑन मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट के फाइनेंशियली दो टूल्स स्टडी होंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग
और टैक्सेशन। हाउसहोल्ड्स क्या हैं, सुनने पे ध्यान देंगे, इंडिविजुअल्स, एक सेक्टर गवर्नमेंट हो गया, एक सेक्टर हो गया फर्म्स, फर्म्स क्या हो गई बिजनेस एंटिटीज, फर्म्स क्या हो गई बिजनेस एंटिटीज, फर्म्स का काम क्या है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और लास्ट सेक्टर होगा एक्सटर्नल सेक्टर जिसे बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसके साथ आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं वो हो गया एक्सटर्नल सेक्टर। तो अगर कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है, इसका मतलब वो फॉरेन ट्रेड नहीं करते, दे डू नॉट डील विद फॉरेन कंट्रीज, तो क्लोज्ड इकोनॉमी, तो उसको बोलते हैं कि नो एक्सटर्नल सेक्टर। तो चार सेक्टर्स के नाम क्या हैं, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सटर्नल सेक्टर। अगर टू सेक्टर इकोनॉमी स्टडी करेंगे, आएगा अभी, टू सेक्टर इकोनॉमी स्टडी करेंगे तो उसमें सिर्फ हाउसहोल्ड और फर्म्स होंगी, क्या होंगी, हाउसहोल्ड और फर्म्स। अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी स्टडी करेंगे तो उसमें हाउसहोल्ड, फर्म और गवर्नमेंट होगी। अगर फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी स्टडी करेंगे तो हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट थर्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर भी होगा फोर्थ सेक्टर। चार सेक्टर्स कौन से हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यूज एन इकोनॉमी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर सेक्टर्स, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर सेक्टर्स। नंबर वन हाउसहोल्ड, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स और फैमिलीज हु अंडरटेक कंजम्पशन, दे ऑल्सो पे टैक्सेस, फाइंस एटसेट्रा। बट आगे जाके देखेंगे हम हाउसहोल्ड का काम फैक्टर सर्विसेज एंटर करना भी होता है। तो पहला सेक्टर हाउसहोल्ड, फिर गवर्नमेंट, ऑल्सो रेफर टू एज द स्टेट, इट फ्रेम्स लॉज एंड एनफोर्सेस देम, इट ऑल्सो अंडरटेक्स प्रोडक्शन समटाइम्स टू ब्रिंग अबाउट वेलफेयर ऑफ द पीपल। हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट, फर्म्स, दे रेफर टू द इकोनॉमिक यूनिट्स विच कैरी आउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, these are run by entrepreneur who hire the various factors of production, firms, business entities, they hire factors of production, labor, employ services of capital, land and undertake the task of production. to kya kar rahi hai firm, production of goods and services. external sector, rest of the world, it refers to buying and selling of goods and services between various countries. It includes imports, exports, inflow and outflow of capital. तो import and export of goods तो हो ही सकता है, foreign loans भी तो हो सकते हैं, foreign investments in our country भी तो हो सकती हैं, हम भी तो loan दे सकते हैं जैसे अभी श्रीलंका को दे रहे हैं, outflow of capital भी हो सकती है। External sector, inflow and outflow of foreign exchange due to import or export or due to loans and other transactions. ग्रांट्स भी हो सकती हैं, डोनेशंस भी हो सकती हैं, गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। I repeat, चार सेक्टर्स कौन से हैं नेशनल इनकम स्टडी करते वक्त, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट, फर्म्स और एक्सटर्नल सेक्टर। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है तो टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होगा ध्रुव? वेरी गुड, हाउसहोल्ड और फर्म्स। अगर मैं बोलूं थ्री सेक्टर इकोनॉमी है तो क्या क्या होगा रिशिता? हाउसहोल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। और अगर मैं बोलूं फोर सेक्टर इकोनॉमी है तो क्या हो जाएगा? हाउसहोल्ड प्लस फर्म्स प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते। तो सबसे पहली चीज, फोर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी।